मुझ में हजारों गलतियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी ये ना सोचे कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। यह संसार है, यहाँ ताज का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और कभी अहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उसे भूल जाने दो, बस याद करिए एक बार, मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ दिया अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ही ना हो। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो पूरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कम होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से चलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। अपने आप को किसी का आदि ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फितरत और मूड के मोहताज होकर रह जाएगी। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकल और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई नहीं। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे वो दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज, जिसके साथ बात करके खुशी दुगनी और दुख आधे हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, और जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान, और जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान के सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छोड़ जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नज़दीकियाँ, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, फिर ना कहना चले गए और बताया भी नहीं। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्म सम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा पूरा करना चाहता है,
तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब करें? सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, हे महात्मा, चांद में कंकाल और दीपक तले अंधेरा क्यों है? संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रित करके मन से लगाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, उनमें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हमारे मतलब का है, हम वही तक सुनते हैं जहाँ तक हमारा मतलब है। क्रोध करना हो तो कहना कल करेंगे, कोई भी गलत कार्य करना हो तो कहना कल करेंगे, फिर तुमसे कोई गलत कार्य हो ना सकेगा। और अगर ठीक करना हो तो शुभ कारण हो, अच्छा करना हो तो अभी कर लेना, क्योंकि अगर उसे कल पर टाला तो वह कभी ना हो सकेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं की शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना? जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं, उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए चार रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कद्र करिए, भविष्य के लिए बचत करिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें। यह आवश्यकता नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यकता तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीखा जाए। तुम दुनिया में हर एक इंसान को जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशियों के लिए जानबूझकर हार जाता है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके चुपके बात कर लिया करो। वह सब जानता है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर एक दिन किसी निखरे सुबह की तरह उजाला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंत मन से तो कहीं आत्मिकता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं मिलेगी नाराजगी का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेंगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं का दूर भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराए रिश्ते अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहेंगी वही खुश मंदिर चेहरों पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव होगा। तू चल चल रही अपने कर्म प्रथा पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव से शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।
देखने के लिए धन्यवाद।